ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं और इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये वो टॉपिक है जिसके लिए आई थिंक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन और हर एक पर्सन इस रीडिंग के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में सोचता है। सो फ्रेंड्स, आप मोस्टली या तो नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या ऑन ऑफ में हो सकते हैं या बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे से बात इस तरह से नहीं कि रिश्ते में क्या चाहता है सामने वाला या नहीं चाहता, एक इस तरह की फीलिंग्स के साथ आप जी रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर देखेंगे क्या वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, एंड लास्ट में आपको क्या करना चाहिए। सो आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लेना। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये मत लिखना मैम मेरे साथ तो गलत हो रहा है और आप कुछ और बता रहे हो। आपके साथ ज़रूरी नहीं है ये सारी बातें मैच होंगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपको। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि इसको आप अपने नाम राशि या फिर सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग देखें जिससे आपको ज़्यादा रेजोनेट हो। तीसरा, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल मत करा करें। कब समटाइम्स मुझे बहुत 9 बजे 10 बजे तक तो ठीक है, लेकिन 11-12 बजे भी कॉल आते हैं, वो थोड़ा सा मेरे लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ कॉल मत करा करें, डायरेक्ट पहले आप मुझे मैसेज करा करें, व्हाट्सएप करा करें, चार्जेस देखा करें, सब कुछ। अगर आपको ओके है तो मैं आपको हैंड टू हैंड उसी वक्त रिप्लाई करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। रीडिंग पसंद आए तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग्स को लाइक करा करें फ्रेंड। जितना रीडिंग्स को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये रीडिंग जाएगी, ठीक है। जल्दी सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो मूविंग ऑन टू सैजिटेरियस, धनुराशि देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, क्या उन्हें रियूनियन चाहिए। उससे पहले देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन, इस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर फंसे हैं अपनी ही खुद की सिचुएशन में। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं, कुछ ऐसी एडिक्शंस में हैं जो इन्हें अब बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। अपने खुद के इम्प्लीमेंट किए हुए डिसीजंस, अपने खुद के लिए हुए ऐसे रास्ते जिन पर ये चल रहे थे, ये सोच के कि इन्हें बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत लाइफ इनको एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देगी, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल डिसीजन हो सकता है, या किसी घर वाले की बहुत ज़्यादा सुनी हुई बात हो सकती है। एनीथिंग जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि वैलिड नहीं था, बट इन्होंने कहीं ना कहीं वो डिसीजंस बनाए और ये सोचा कि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मिलेगा, बट हुआ बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर रिग्रेटफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, या कहें ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो एक सिचुएशन में आ तो गए पर फंस गए हैं। यहाँ से वो अभी निकलते हुए या अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक नेगेटिविटी के पैटर्न में फंस गए हैं, कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में फंस गए हैं। बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, या फिर ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करने लगे हैं कि सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं दिख रहा, सैजिटेरियस। एनीवेज, अब देखते हैं हमारा मेन सवाल जो कि है, क्या आपके पार्टनर को वापस रिश्ता जोड़ना है, क्या ये रिश्ते को ठीक करेंगे, क्या आपके पार्टनर रियूनियन चाहते हैं। जजमेंट रिवर्स, देखिए यहाँ भी डेविल आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल भी अच्छे कार्ड्स नहीं आए, आई एम सॉरी टू से सैजिटेरियस। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उलझ गए हैं, ये पर्सन
बहुत ज़्यादा या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, उसके साथ बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है सेक्सुअली या किसी और तरह से, या तो उस पर्सन ने इन्हें बहुत बुरी तरह से अपनी बातों में अपने किसी जाल में फंसा लिया है, ये बार बार दौड़ कर उसी के पास जाते हैं। आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस करते मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपको जैसे आपके साथ एक बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है। मुझे सैजिटेरियस ये पर्सन आपके साथ अच्छा करता नज़र नहीं आ रहा। अब सारे सैजिटेरियस के पार्टनर धोखेबाज नहीं हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर पहले से दे दूँ, तो सब अपने पार्टनर को आज से विलन समझना ना शुरू कर दें। पहले ही बता रही हूँ, पर ये जिसके भी पार्टनर की एनर्जी निकली है, ये पर्सन इस टाइम लाइफ में टोटली कन्फ्यूज है। कन्फ्यूज ऐसा कि इसे यही नहीं समझ आ रहा कि मुझे करना क्या है। दूसरा, इतनी बुरी तरह ये गलत चीज़ों में फंस चुका है, या तो एडिक्शंस में है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है, गलत लड़कियों के लड़कों के चक्रों में फंस गया है, दोस्ती यारी इसकी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आपके साथ आगे बढ़ने की बजाय ये उन्हीं चक्रों में, अच्छा इन्हें ये भी पता है कि मैं मैन्युपुलेट हो रहा हूँ, मैं धोखों में फंस गया हूँ, मैं गलत चीज़ों में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहे वहाँ, फंस कर बस उसी जाल में फंसे हैं। ये आज लियो के भी पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जी आई है और सैजिटेरियस की भी, तो देखो कुछ बीच में आपस में कुछ है तो नहीं, कुछ रिलेशन जरूर देखना इस चीज को। सो मुझे आपको, मतलब मैं आपको इसका क्या जवाब बताऊं, आपको मतलब लगता है कि मैं ये कहूंगी कि ये रियूनियन चाहते हैं? कहाँ से रियूनियन चाहेंगे जब इनका दिमाग ही नहीं सही चल रहा। अभी तो इनका दिमाग बहुत अलग अलग चीजों में फंसा हुआ है, बहुत नेगेटिव हो रखे हैं पर्सन। सो आंसर इज नो, अ बिग नो, आई एम सॉरी बट यस दिस इज ट्रू। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस है। अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो आगे चीज़ें और क्लियर होंगी, आपको आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे अभी ये रीडिंग से आपको काफ़ी पता चला है, ऐसे आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ बताएगा। अगला है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी ना, वो चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना प्रिपेयर्ड रहें चीज़ों को लेके। आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना है अच्छे और बुरे दोनों के लिए। कहते हैं ना डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, वैसी सी एनर्जी आई है आज आपके पार्टनर की। कुछ भी कर सकता है ये पर्सन, आपको बहुत रेडी रहना होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जो कि मुझे सैजिटेरियस नहीं अच्छी दिखी, पर आपको क्लैरिटी देना मेरा फ़र्ज है, और अगर वो मिली है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।